जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल नर्सिंग मैनिया में। जी हाँ दोस्तों, आ गए हूँ फिर से और एक नर्सिंग स्टाफ की एकदम बम्पर भर्ती लेकर के। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर की। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर की ओर से वैकेंसी आई हुई है 28 अक्टूबर 2023 का ही नोटिफिकेशन से दोस्तों। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरीके के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो आगे। जी हाँ दोस्तों, तो भर्ती आई हुई है गोरखपुर एम्स की भर्ती है, ठीक है। ए ग्रुप मतलब जो ग्रुप्स वैकेंसी में वो है ए बी और सी पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी आई हुई है। सो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको पे आउट क्या क्या मिलने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कौन कौन एलिजिबल है, एक्सपीरियंस क्या मांगा है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एक्सपीरियंस। जी दोस्तों, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखने वाले हैं। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, जी दोस्तों लास्ट डेट क्या रखी गई है। दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो आगे। देखिए दोस्तों, वैकेंसी नोटिस फॉर वेरियस ग्रुप ऑफ ए बी सी पोस्ट, ठीक है दोस्तों। हम बात करेंगे सिर्फ स्टाफ नर्स की, ठीक है। स्टाफ नर्स की पोस्ट है ग्रुप बी में आती है, ठीक है। लेवल एट एज पर 7th सीपीसी, ठीक है। टोटल पोस्ट है 57, ठीक है दोस्तों। 57 पोस्टों पे वैकेंसी आई हुई है। देखिए दोस्तों, हम सभी डिटेल एक ही चीज़ में पूरा डिटेल में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पे लेवल एट पर 7th सीपीसी, ठीक है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया आपसे, आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, 4 ईयर का जो कोर्स है अपना किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। देन आपके पास अगर पीबीएससी है, ठीक है, पीबीएससी है, पोस्ट बीएससी है, तो भी आप एलिजिबल हो इसके लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक्सपीरियंस, ठीक है दोस्तों। मैंने बात करा था आपके साथ कि एक्सपीरियंस आपको कितना मांगा गया है, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो 3 ईयर एक्सपीरियंस स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड पे लेवल से एनएस पर द मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब 100 बेडेड हॉस्पिटल का आपको मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को सबसे इंपॉर्टेंट में ध्यान रखिए कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद का ही एक्सपीरियंस कहीं पर भी काउंट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। हम आगे बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया इसमें 21 से 35 तक एज क्राइटेरिया रखा गया है। लेकिन एक बात बता दूँ दोस्तों कि कुछ एसटी एससी एंड ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी वालों में भी एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है। तो हम बात कर लेते हैं पोस्टों के बारे में। तो पोस्ट है इसमें 57 टोटल पोस्ट, जिसमें यूआर की 25, ओबीसी की 15, ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट है, और एससी कैटेगरी की 8 पोस्ट और एसटी कैटेगरी की 4 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। और इसमें ये जो भी है वो ऑनलाइन टेस्ट है, जिसमें सीबीटी टेस्ट होना मैंडेटरी है, ठीक है। सीबीटी टेस्ट होना ही है। देखिए दोस्तों, सीबीटी टेस्ट के लिए एग्जाम सेंटर की हम बात कर लेते हैं। तो एग्जाम सेंटर आपके 3 ही मिलना है आपको। फर्स्ट ऑल गोरखपुर रहेगा, सेकंड लखनऊ, और थर्ड एनसीआर दिल्ली, ठीक है। दिल्ली एनसीआर भी आपका स्टेशन रहने वाला है सीबीटी टेस्ट के लिए। तो देखिए हम दोस्तों बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे दोस्तों, आप खुद ओन से भी अपना खुद से भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आपको फर्स्ट ऑल www.gorakhpurams.uid पर जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। देन आपको पेमेंट जो भी है वो पे करना है। देन के डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करके वहाँ पर अपलोड करना है। लास्ट डेट इसके फॉर्म स्टार्ट हुए इसके 28 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं, और 21 नवंबर तक ये लास्ट डेट इसकी रहने वाली है, ठीक है। फोटोग्राफ्स आपको 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के लगना है, जो कि 20 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। इसके बाद आपका सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब का इम्प्रिंट, लेफ्ट थंब आपको लगाना है, ठीक है। देन डिक्लेरेशन एक फॉर्म है जो आपको रिटर्न में लिखना होगा ब्लैक पेन से, ठीक है दोस्तों। देन कैपिटल आप सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में ही सॉरी कैपिटल लेटर वाली जो सिग्नेचर है वो डू नॉट एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये जो वेबसाइट है यही पर आ जाके आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। और न्यू रजिस्ट्रेशन हो तो इसके लिए आपको ये फॉर्म ये वाली लिंक पे जाके देखो दोस्तों। अगर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। सो प्लीज़ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से आप डायरेक्ट ये जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन ये ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू। जय हिंद।